नमस्कार दोस्तों, भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, मैं आज आप लोगों के सामने जेम पोर्टल के बारे में इंट्रोडक्शन का वीडियो लेकर आया हूँ। जेम पोर्टल है क्या? जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जिसको हम जेम बोलते हैं। ये बेसिकली अपने अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट्स है, उसी की तरह वेबसाइट्स है जहाँ पे कोई भी रजिस्टर कर सकता है एज ए बायर और एज ए सेलर। यदि आप बायर है तो बायर की तरह सेलर कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, और सेलर है तो सेलर की तरह कर सकते हैं। कोई भी आप प्रोडक्ट अपना सेल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी कर दिया गया है। यदि गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट को कोई भी चीज परचेज करना है या फिर कोई भी सर्विस लेना है तो उनको जेम के पोर्टल से ही लेना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने रूल नंबर 149 में 2017 में इसको लाया गया। अभी हम जेम के वेबसाइट के बारे में थोड़ा और डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे ऐसे प्रोफाइल्स है, यहाँ पे बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रोफाइल्स है। एज ए बायर आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, और एज ए सेलर यदि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो भी आप यहाँ पे एज ए बायर की तरह रजिस्टर कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज भी आप अपना प्रोडक्ट यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और गवर्नमेंट के लिए बायर्स तो मैंडेटरी कर दिया गया है। और सेलर, जैसे हम छोटे बिजनेस वाले हैं, मुझे कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है गवर्नमेंट को तो पहले कैसा रजिस्ट्रेशन करने का और बहुत सारे प्रोसेस होके मुझे गुजरना पड़ता था। सेलर में वो चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं। यदि मुझे 3 लाख के नीचे का कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो मैं ये डायरेक्ट सेलर में रजिस्ट्रेशन करूंगा और मैं कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे टॉप टॉप प्रोडक्ट कैटेगरी की यदि बात करूंगा मैं, तो अपने पास कंप्यूटर है, मैं कंप्यूटर सेल कर सकता हूँ। जैसे मैं डिजिटल सिग्नेचर सेल करता हूँ तो मैं डिजिटल सिग्नेचर सेल करता हूँ छोटे प्रोडक्ट में। एयर कंडीशन सेल कर सकते हैं, टेबल कुर्सी चेयर सेल कर सकते हैं, स्टेशनरी के आइटम सेल कर सकते हैं। यदि मैं सर्विसेज की बात करूंगा तो हाउसकीपिंग सर्विस दे सकते हैं, लेबर्स का सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसेस में, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी। आप प्राइवेट जो भी कंपनीज है उनको भी आप दे सकते हैं। यदि प्राइवेट कंपनीज ने बायर्स में लिया है तो उनके यहाँ से भी आप रिक्वेस्ट डाल के आप एज ए वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर भी दो टाइप के रजिस्ट्रेशन है। यदि मैं बायर्स की बात करूँगा, आज बेसिकली हम ज़्यादातर बायर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बायर्स में रजिस्ट्रेशन दो टाइप में है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी, यदि आपको कोई भी प्रोडक्ट 25,000 से नीचे यदि आपको सेल करना है, डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, तो आप प्राइमरी में सेल कर सकते हैं। वहां पे कोई भी प्रोडक्ट वैल्यू 25,000 से ओवरऑल जो प्रोडक्ट का वैल्यू होगा, वन टाइम जो भी परचेज करेंगे गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे में हम प्राइमरी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपको 25 के ऊपर या फिर 3 लाख के नीचे आपको यदि कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको एज ए सेकेंडरी में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के लिए बहुत सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे आपका 25,000 से 3 लाख के बीच का जो भी है वो आप यहाँ पे प्राइमरी में सेल करते हैं। और सेकेंडरी मतलब छोटे मोटे आइटम्स, कोई भी चीज़ आप सेल कर सकते हैं। जैसे मैं डीएससी में था तो मुझे एक साथ 25,000 का ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, तो मैं इसलिए मैंने सेकेंडरी में अपना रजिस्ट्रेशन करके लगाया। क्योंकि सेकेंडरी में रजिस्ट्रेशन करने से आप मेरे डॉक्यूमेंटेशन कम हो जाता है, जैसे मुझे आईटीआर नहीं लगता, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट का बैलेंस शीट मुझे नहीं दिखाना पड़ता। ये सभी चीज़ें मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट बचता, बैंक अकाउंट डिटेल्स मैंडेटरी है। तो बायर्स, यदि आप एज ए प्राइमरी की तरह बायर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, देखिए नीचे नीचे लिखा हुआ है। प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, ट्रस्ट जो भी होगा उसका एक आपको प्रूफ चाहिए, उसका नाम चाहिए, आधार नंबर चाहिए या फिर पेन बेस्ड, आप दोनों तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन, आधार को लिंक होना चाहिए। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, डीआईपीवी, उद्योग आधार, आईटीआर, ये सब कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ये सभी चीज़ें लगेंगे।
एड्रेस, कंपनी का एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स जो बैंक का अकाउंट डिटेल्स है, और आपका ईमेल आईडी। सेकेंड एंट्री में ही सब लिस्ट कम हो जाता है, जैसे इसमें सिर्फ आधार या पैन नंबर और आपका ईमेल आईडी, ये दो बेस पे ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जीएसटी नंबर लगता है, पर यहाँ पे आईटीआर, प्रॉफिट एंड लॉस, उद्योग आधार, ये सब चीजें की जरूरत नहीं है सेकेंडरी में। पर यहाँ पे आप सेकेंडरी में आपका सिर्फ पॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम्स ये है जो आप यहाँ पे कोई भी बीड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। प्राइमरी में आप कोई भी बीड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेंडर्स के लिए, जैसे कि जैसे हम टेंडर भरते हैं वहाँ पे टेंडर में जो बीड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैसे बीड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर भी बीड में पार्टिसिपेट छोटे, एकदम छोटे से रहेंगे, छोटे मोटे टेंडर्स रहेंगे जो 25,000 के अंदर होंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर जनरली 25,000 के टेंडर्स जो यहाँ पे आते हैं वहाँ पे ये डायरेक्ट सेलिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पे L1 L2 की जरूरत नहीं, हमको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमको डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है, यहाँ पे उसको L1 सर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी इस पे एक आता है, क्या है, कैटलॉग। हमको यहाँ पे कैटलॉग बनाना पड़ता है, दोनों फील्ड में प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो आपको कैटलॉग बनाना पड़ेगा। कैटलॉग में यदि मैं जैसे डिजिटल सिग्नेचर बनाता हूँ, डिजिटल सिग्नेचर के सभी इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे इनपुट डालेंगे और हम वहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को कैटलॉग में डाल देंगे। कैटलॉग मतलब आपका उस प्रोडक्ट क्या है, कितने में आप सेल करेंगे, वो देखने में कैसा होता है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, सभी चीजें हम यहाँ पे कैटलॉग में डाल देंगे। रेट डाल, गवर्नमेंट को जो सबसे कम रेट का दिखेगा उसमें कैटेगरी में, उसको वो डायरेक्ट ऑर्डर दे देंगे। यहाँ पे उसको टेंडर्स निकालने की जरूरत नहीं है। पर प्राइमरी में यदि आपने वहाँ पे टेंडर्स निकाले तो आपको वहाँ पे बीड में पार्टिसिपेट करने का होगा, उसके बाद वह L1 L2 L3 सेम टेंडर के प्रोसेस से होके गुजरेगा, तो वहाँ पे जिसको मिलेगा टेंडर उसको वो टेंडर अलॉट हो जाएगा और बाद में आपका प्रोसेस चालू हो जाता है। यदि आप प्राइमरी में हैं तो आपको एक वहाँ पे और एक ऑप्शन आता है वेंडर असेसमेंट का। वेंडर असेसमेंट हर एक के लिए मैंडेटरी नहीं है और इसके लिए चार्जेबल भी चालू है। 7,500 से स्टार्टिंग है इनका प्राइस वेंडर असेसमेंट करने का। बेसिकली वेंडर असेसमेंट वही लोग करेंगे जिनका OEM है। OEM मतलब जिनका खुद का प्रोडक्ट है। यदि आप कोई खुद का नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको वेंडर असेसमेंट करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको वेंडर असेसमेंट करने की जरूरत नहीं। अभी मैं DSC बेच रहा हूँ तो मैं DSC, मेरा खुद का प्रोडक्ट नहीं है ये, मैं ई मुद्रा से लेके बेचता हूँ, ई मुद्रा ये OEM है, मैं उनका रीसेलर हूँ, तो मुझे यहाँ पे OEM में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत, वेंडर असेसमेंट करने की जरूरत नहीं। जिनका OEM है, खुद का कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है, खुद का कंपनी है और वही प्रोडक्ट वो भी सेल करना चाहते हैं, तो उनको वेंडर असेसमेंट करने की जरूरत है। कैटलॉग मैनेजमेंट, कैटलॉग में आप कैसे अपना कैटलॉग डालेंगे सभी, ये प्राइमरी जैसे मैंने पहले बताया, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के लिए मैंडेटरी है, तो आपको दोनों के लिए करना पड़ेगा। और कुछ इसके साथ साथ न्यू फीचर्स अभी ऐड हो गए हैं जिसके लिस्ट में आपको दे रहा हूँ, जो अभी अभी इसमें नए फीचर्स ऐड हुए। ये हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था जहाँ पे जिम, तो ये अभी गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन के, गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर दिया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट कम से कम रेट में रखेंगे तो आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने के चांसेस होंगे और आप यहाँ पे प्रोडक्ट इजीली बेच सकते हैं। पेमेंट्स के भी यहाँ पे अच्छे हैं, पेमेंट्स आपका यहाँ पे डिले नहीं होता, विद इन ए वीक ऑर्डर रिसीव्ड होने के 1 वीक के अंदर आपको पेमेंट यहाँ पे जनरली मिल जाता है। 100% एश्योरेंस नहीं है पर अभी तक के रिकॉर्ड में 1 वीक के अंदर आपको पेमेंट मिल जाता है। और अभी आपको आगे हम वीडियो लेके आएंगे जेम का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं एज ए बायर और एज ए सेलर, और इसके जो भी कैसे आप बीड में पार्टिसिपेट करेंगे, ये सभी चीज़ें वन बाय वन हम वीडियो लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।